उसकी इसमें पोर्टल पर जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं और लगातार जो लोकसभा सीटें हैं उनके बारे में बता रहे हैं, उनके इतिहास के बारे में बता रहे हैं। पहले भी हम आपको कुछ खबरें इनके बारे में बता चुके हैं, अगर आपने वो खबरें देखी नहीं है तो यहाँ पर जो ये आई का सिंबल आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए और ये जो खबरें हमारी पिछली कुछ खबरें हैं उनको आप देख सकते हैं और आने वाली जो खबरें हैं उनको आप देखने के लिए जो हमारा सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हमारी अपडेट्स रहेंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। तो रायपुर लोकसभा सीट की बात करने के बाद अब हम बात करने वाले हैं भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसकी बात करने वाले हैं और उसकी जो लोकसभा सीट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देश की राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई छोटे बड़े ताल हैं। 1984 में गैस की रिसाव से लगभग 20,000 लोगों की मौत हुई थी। भोपाल अचानक सुर्खियों में आ गया था उस वक्त। ये जो लोकसभा सीट है वो राज्य की अहम लोकसभा सीटों में से एक मानी जाती है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो इस लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा माना जाता है और ज्यादातर वक्त यहां पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई आई है। थोड़े से इतिहास की बात कर लेते हैं। 1984 की बात करें तो गैस त्रासदी हुई थी उस वक्त और वो वक्त था और अब का वक्त है। कांग्रेस कभी भी इस सीट को जीत नहीं पाई है और कोशिशें उसकी लगातार जारी हैं लेकिन वो इस सीट को जीतने में नाकामयाब रही है। इस सीट पर फिलहाल बीजेपी का ही कब्जा है और आलोक संजर यहां से सांसद है और पिछले 8 चुनाव लगातार भाजपा यहां जीत दर्ज करती हुई चली आ रही है। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भोपाल लोकसभा सीट पर पहली बार 1957 में चुनाव हुआ, तब कांग्रेस की मैमूना सुल्तान यहां पर जीत दर्ज कर दिल्ली लोकसभा में पहुंची थी। इसके अगले चुनाव में भी उन्होंने ही जीत दर्ज की थी। इस सीट पर पूर्व राष्ट्रपति और राज्य के पूर्व सीएम शंकर दयाल शर्मा भी सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 1971-1980 में यहां पर चुनाव जीता था और वे लोकसभा में यहां से चुने गए थे। हालांकि 1970 के चुनाव में उनको इस सीट पर निराशा हाथ लगी और उन्हें भारतीय लोक दल के आरिफ बेग के हाथों हार का सामना करना पड़ा। भोपाल लोकसभा सीट पर भाजपा का खाता खुला 1989 में, जब मुख्य सचिव सुशील चंद्र वर्मा ने यहां से जीत हासिल की। इसके बाद वो लगातार यहां 3 बार चुनाव जीते। इस सीट पर सबसे ज्यादा उन्हीं को जीत मिली है। उन्होंने 1989, 1991, 1996 और 1998 के चुनावों में जीत हासिल की। एक और खास बात भोपाल लोकसभा सीट के बारे में ये है कि यहाँ से उमा भारती भी चुनाव लड़ चुकी है। 1999 में उमा भारती ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और वो जीत कर लोकसभा में पहुंची थी। उन्होंने यहाँ पर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे सुरेश पचौरी, उनको मात दी थी। 2004 और 2009 के चुनावों में यहाँ पर बीजेपी के कैलाश जोशी विजयी रहे थे। मौजूदा सांसद जो आलोक संजर है वो पहली बार इस सीट से चुनाव जीत कर संसद पहुंचे हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा बीजेपी के सुशील चंद्र वर्मा को जीत मिली है। वे लगातार इस सीट से 4 बार जीत हासिल कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस 1984 के पहले यहां से 5 बार जीत दर्ज कर चुकी है। भोपाल लोकसभा सीट में बैरसिया, भोपाल दक्षिण, भोपाल पश्चिम, हुजूर, भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, सीहोर, नरेला और गोविंदपुरा की जो विधानसभा सीटें हैं, यानी कि 8 विधानसभा सीटें भोपाल लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। और यहां पर एक और बात बता दूं कि इनमें से 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास हैं और 3 यहां पर कांग्रेस के पास है। बात अब प्रदेश की राजधानी की हो रही है तो यहां पर जो प्रदेश का एक ताना बाना है सामाजिक, उसके बारे में भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि भोपाल का प्राचीन नाम भूपाल है और इसके एक और मत है कि कुछ लोग मानते हैं कि एक प्राचीन राजा थे राजा भूपाल शाही, तो उनके नाम पर भोपाल का ये नाम जो भूपाल पड़ा था। 2011 की जनगणना के मुताबिक भोपाल की जनसंख्या 26,79,574 है।
राज्य की 23.71% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जबकि 76.29% यहाँ शहरी इलाका है। भोपाल की करीब 15% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है और करीब 3% अनुसूचित जनजाति के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में जो चुनाव हुए थे, यहाँ पर 19,56,936 मतदाता थे, इनमें से 9,17,932 महिला मतदाता थी और 10,79,004 पुरुष मतदाता थे। बात अब पिछले चुनाव की करते हैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को यहाँ पर कितने वोट मिले थे। पिछले चुनाव की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में आलोक संजर ने कांग्रेस के प्रकाश मांगीलाल शर्मा को पराजित किया था। आलोक संजर को इस सीट से 7,14,178 वोट मिले थे, जो कि कुल वोट का करीब 63% है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रकाश मांगीलाल थे, उनको 3,43,482 वोट यहां पर हासिल हुए थे। आलोक संजर ने प्रकाश मांगीलाल को 3,70,692 वोटों के विशाल अंतर से हराया था। यहां पर एक खास बात और है कि आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर चुनावी दस्तक दी थी और वो तीसरे स्थान पर रही थी। बात अगर साल 2009 की करें तो इसमें कैलाश जोशी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह ठाकुर को हराया था। कैलाश जोशी को उस चुनाव में 3,35,978 वोट मिले थे, तो सुरेंद्र सिंह ठाकुर को 2,70,521 वोट मिले थे। कैलाश जोशी और सुरेंद्र ठाकुर के बीच जीत का मार्जिन 65,000 वोटों का रहा था। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई। अब आपको बताते हैं कि 52 साल के आलोक संजर 2014 में जीत कर पहली बार संसद में पहुंचे थे। आलोक संजर वकील हैं और उनकी जो संसद में उपस्थिति थी 96% रही। इस दौरान उन्होंने 121 बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने 392 सवाल भी किए। उन्होंने इसके अलावा 3 प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए। तो ये सारी जानकारी हमने आपको बताई। इसके अलावा भी हम आपको कई तरह की जानकारियां देते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो भी अपडेट्स रहे वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जो राजनीति की खबरें हैं उनसे लगातार अपडेट करते रहें। हमारी वेबसाइट है www.4thainews.com, उस पर भी आप हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं। लगातार हम वहाँ पर भी खबरें अपडेट करते रहते हैं। साथ ही एक बार फिर कहूँगा, अगर आप राजनीति जानना चाहते हैं, राजनीति की खबरों को देखना चाहते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा।